बलौदाबाजार जिले के मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल छरछेद में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रथम चरण में मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके जायजा लेते हुए कलेक्टर के एक एल चौहान ने जरूरी टिप्स दिए। वहीं अन्य कार्यक्रम में शत प्रतिशत मतदान के लिए शपथ दिलाई। स्वीप के तहत महिलाओं को रस्साकशी जलेबी दौड़ का आयोजन कर मतदान के लिए जागरूक किया। कलेक्टर के साथ जिला पंचायत सीईओ दिव्या अग्रवाल, कसडोल एचडीएम भूपेंद्र अग्रवाल सहित अन्य कर्मचारी की उपस्थिति रही। लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण का प्रथम चरण प्रारंभ हो गया है, कल से शुरू हुआ है, ब्लॉक लेवल पे हो रहे हैं। आज कसडोल ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं उनके मैं निरीक्षण करने भी आया था और बहुत सारे के रूम्स में जाकर के उनसे मैंने बात भी किया, उनके प्रशिक्षण ठीक से चल रहा है अथवा नहीं। आज 1500 लगभग कर्मचारी कल और आज में यहाँ पे और कल में 3 दिन में यहाँ ट्रेनिंग हुआ, तो 1500 कर्मचारी यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। पूरे जिले में लगभग 5000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रथम चरण की प्रशिक्षण है, इसके बाद फिर द्वितीय चरण का प्रशिक्षण भी होगा। उसी के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पे महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से एक स्वीप कार्यक्रम भी किया है, जिसमें महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता जैसे रस्साकस्सी है, जलेबी दौड़ है, उसको स्वीप में लेकर के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए या मतदाताओं को जागृत करने के लिए कि वो मतदान केंद्र तक जाएँ और मतदान केंद्र में जा करके वोट करें, इसलिए स्वीप का कार्यक्रम के अंतर्गत उसको भी सम्मिलित किया गया। प्रथम प्रशिक्षण का आज द्वितीय दिवस है। कल 600 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है हमारे मास्टर ट्रेनर द्वारा, और जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के नाते मैं चाहता हूं, और मेरे साथ में प्राध्यापक भी हैं श्री तुलाराम जी साहू, वो भी चाहते हैं कि हमारे ब्लॉक में जितने भी चुनाव दल के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नियुक्त किए गए हैं उन सबको प्रॉपर तरीका से प्रशिक्षण प्राप्त हो। आज 591 प्रशिक्षार्थी 15 रूम में प्रशिक्षण प्राप्त के लिए बैठे हैं, जिसमें 2 संगवारी बूथ हैं जिसमें महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, और कल 351 कल तृतीय दिवस को प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशासन स्तर से भी हमारे एसडीएम सर काफ़ी रुचि ले रहे हैं ताकि उनका जिम्मा में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। लंच की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है और पूरी प्रशासन इस चुनाव को लेकर के अपने कर्तव्यों के लेकर के काफ़ी सजग है, और हम चाहते हैं कि हमारे ब्लॉक से जितने भी प्रशिक्षार्थी प्राप्त कर रहे हैं जो दूसरे विधानसभा के लिए मतदान केंद्र में जाएंगे निर्वाचन कराने के लिए, उनसे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।